इस लड़की को ना ये इस लड़की को जो छोटी सी अलग ही नींद आ रही है। मैं इधर आ रही हूँ, वो आगे जा रहे हैं, मैं इधर आ रहा। आजा 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 आजा, लात पड़ेगी, मैं नहीं जा रही। हेलो इतने सारे कबूतर क्यों आ रखे हैं यहाँ पे? तमाशा चल रहा है कोई है? ये कैसे हुआ? 6 लाइक 3 व्यूज असंभव। हम दिखाते हैं, गेट के सामने गाड़ी ना लगाए, हवा निकाल दी जाएगी। किसकी हवा निकाल? बंदे की हवा निकाल दी जाएगी या फिर गाड़ी की हवा निकाल दी जाएगी? चले इसका तो बाद में ही पता चलेगा। तंबाकू वर्जित क्या है? तंबाकू वर्जित क्षेत्र में आपका स्वागत है। और वो पी रहा है एक तंबाकू पीछे का है ये रहा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे। जहाँ मूतना मना है वहीं मूतेंगे, जहाँ धूम्रपान करना मना है वहीं करेंगे। हम तो ढीठ हैं। काकू चुप हो गया, काकू तेरी खुजली हो रही है, इचगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना? Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं, बाकी सबकी तो छुट्टी हो गई, ये पता नहीं कहाँ है। अभी कोई वैन में से निकला और सारा कूड़ा यहाँ गिरा दिया, ये रहा कूड़ा। भाई अगर कोई मेरे स्कूल का देख रहा है तो प्लीज़ कूड़ा ना फैलाया करो, अपने बैग में रख लिया करो। ये ज़रा ज़रा से बच्चे 12th में हैं, ये ज़रा से बच्चे, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं आई, मुझे आई है। कहाँ है तेरी तो दाढ़ी आ गई, जरा से बच्चे। माही का यहाँ वेट कर रही हूँ, वो दूसरी साइड है पागल से, उधर चली गई। ये दूसरी साइड हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड माही। हाँ मेरे जैसी दिखती है तभी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, हरकतें भी कुछ सेम ही है। हमने एक साथ मिलके बहुत सारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है और स्कूल म्यूजिक ग्रुप में हमारा दोनों का तो बहुत बड़ा हाथ होता था। ये फ़ोटोज़ तो बहुत थोड़ी सी हैं, हमारी तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं विद कॉम्पिटिशन्स। चलो अभी व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इनकी। लेफ्ट पता नहीं है इनको, राइट चले जाते हैं। मैंने ऐसे देखा था यार। और बताइए आप कैसे हैं? कुछ स्कूल की गाथा बताइए आज। आज स्कूल में जिम कर रहे थे हम भाई, जिम। अरे हाँ जिम भी लग गया, न्यू किया फिर यहाँ दर्द हो गया, बाकी और कुछ नहीं।
हो ये लेट रही हुई थी, मुझे डर लग रहा था कहीं कोई टीचर आके, और क्या कर रहे हो, क्या हाल है, क्या करोगे आगे फ्यूचर में, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। झूठ बोल रहा है। वो तो घर के लिए निकल गई, हम भी घर के लिए चलते हैं। बातें करी बड़ा अच्छा लगा, रुक के बात कर रही हूँ मैं क्योंकि चलते नहीं कर सकती, रोड पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं होता और मैं तो कैमरे से बनाती हूँ फ़ोन के, इसलिए चलो घर चलते हैं, घर जाके मिलते हैं। ये मैंने अभी देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है, एकदम तिरंगा, बहुत सुंदर लाइट लगाई है। घर आ गई तो काकू ने मुझे ये पकड़ा दिया, देखो ये पकड़ा दी इसने, ऐसे ऐसे करके जाना पड़ रहा है। 12,50,000 रुपए और अब आएगा 13वां प्रश्न और ये है 25,00,000 रुपयों का। कुत्ता घास खा रहा है, देखते हो, देख रहे हो, मतलब नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही है, देखो भाई तू घास खा रहा है। चिंगू, चिंटू के मामा, उसका नाम जग्गी है, जग्गी या चिंगू, घास खा रहा है। अरे वाह वाह, यहाँ पर निकालते हैं वहीं पर खा रहा है, लगता है तेरे को फूड की कमी हो गई है। माल न्यूट्रिशन को पूरा करने का लक तुम घास खा रही है, सब जानती है तुम। अभी चलो चलते हैं चश्मा लाने और थोड़ा सा सामान लाने। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it है पापा की कुछ गिनी चुनी दुकानें, यहीं से लेते हैं, कोई एक चीज भी चाहिए होती है सीधा यहीं आते हैं, चाहे वो चीज घर के आगे ही मिलती है लेकिन पापा यहीं से लाते हैं। ये देखो अब रैकेट उठा रहे हैं, कितने दिनों से पड़ा हुआ है, लाइट में तो आ दिखा, दिख नहीं रहा अभी, हाँ दिख गया, कितने दिन से बोल रखा है इसको रैकेट ले आ, लेकिन ना मजाल है जो मैंने रैकेट ले आया है ना, मजाल है जो मैं रैकेट ले आया। ये मेरा चश्मा है, इसको खोलेंगे रात को, अभी हम आराम से बैठ के सीरियल देखेंगे। देखो ज्वालिन ज्वालिन हुई, अरे हाँ हाँ ज्वाल, हाँ एक गोली होती है ज्वालिन, बड़ा बड़ा मन कर रहा है उसे खाने का, मेरा गला भी खराब हो रहा है ना बड़े दिनों से, मेरी ब्लॉगिंग। हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाका, कुआ को सब्सक्राइब करो। तो ये है मेरा चश्मा जो कि आ जाए, कैसा लग रहा है।
और बताओ मुझ पे कैसा लग रहा है? ये मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी जाए भाड़ में। मुझे ना ये चश्मा पहन के अंदर से ना हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ रही है। डंडी पकड़ा दो यार कोई। हाँ, पितृदेव संरक्षणम। इन्होंने 50-50 लाइफलाइन लिया, दो गलत जो भी है उनका नाम लेते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जिसने 11th में एके पाठक सर से ढंग से पढ़ा है वो इसको जानता है। मध्य महासागर पर्वतमाला या ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। इस क्वेश्चन का एक ट्रिक पार्ट है और वो ट्रिक पार्ट है अंडर वाटर, क्योंकि जमीन पर है जो सबसे बड़ी रेंज है उसका नाम आपको शायद मालूम होगा, लेकिन अंडर वाटर जो इस क्वेश्चन का हिस्सा है यही इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी। तो डीप मिड ओशन रेंज जो कि लगभग 40,000 मील से भी ज्यादा लंबी है, उसका 90% यानी कि 90% हिस्सा अंडर वाटर यानी कि ओशन के नीचे है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिस जिस बच्चे ने हमारे स्कूल में 11th में सेकंड शिफ्ट में एके पाठक सर से पढ़ा है उसको पक्का पता होगा इसका आंसर, 50 लाख रुपए का। सर ऐसे बोलते थे हमेशा, मिड ओशन रीज। सर का जो एक एक्सेंट था ना उससे ना एकदम रट जाता था सब, एक बार सुनते थे एक बार में रट जाता था सब, मिड ओशन रीज। इसलिए मुझे ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा है। जैसी कपड़े धोने को डालो वैसी ही बारिश शुरू हो जाती है, ये हमेशा गए एकदम क्लियर मौसम होता है, सोचते हैं कि आज बारिश नहीं होने वाली, उसके बाद अचानक से पता नहीं कहाँ से बारिश आ जाती है, पता नहीं। ये देखो बोलती और तेज आने लगी, अच्छा चिढ़ाएगी मेरे को है। ये देखो कपड़े अभी एक घंटा भी नहीं हुआ, कपड़े डाले धोने को, काकू देख फिर से कपड़े धोने को डाले ना, फिर से बारिश शुरू हो गई। जैसे कपड़े धोने को डाले वैसे ही शुरू हो जाती है। अभी कितना क्लियर मौसम था, अचानक से बादल आ गए। मौसम हो गया, सूरज ने एक साइड बादलों को दिया है छोटे छोटे, एक साइड दिए घने बादलों को, बांट दिया है बीच में सूरज ने, एकदम देखो एकदम साइड में। यहाँ देख कैसे लग रहा है बारिश होगी नहीं, यहाँ देख कैसे लग रहा है झरझर झरझर बारिश होगी, दो टीम में बांट दिया। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था एक साइड बिल्कुल बादल नहीं थे, एक साइड घने बादल थे, बीच में सूरज था, अब घने बादलों की रफ्तार बड़ी तेज़ी से होती जा रही है, इन कम बादलों के पाले में जा रहे हैं पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गाइस देखो इसने टॉयलेट बनाया, गाइस अभी टॉयलेट नहीं है। किसके घर को पता नहीं इसने टॉयलेट बना दिया, इसके घर में भी ऐसा ही है, किसी के घर के सोफे का। ये देख इसके, मैं इसके लाइव स्ट्रीम में तंग कर रही हूँ, ये देखो देख तो इसके बाद नहीं, आप बताओ भी कमेंट में, आप बताने टॉयलेट लग रहा है नहीं लग रहा है। अरे बस बस बस, कहाँ है कहाँ है, ये क्या ये क्या है ये क्या है, ये तो नहीं है, ये नहीं बन सकता ना, ये तो नहीं है, ये हटा, ये क्या है, अरे उसका ऐसे है ना ऐसे, ना 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 ना, ज्यादा क्रिएटिव दिमाग है इनका। तुम्हें पता है हमारे घर में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, एक से एक, किसी के घर में नहीं होंगे, मेरे घर में है, मैं अभी दिखाती हूँ। यह है एक प्लेट, पता नहीं किसने रखी है, ये कुछ खा रहे थे अभी हम नमक वगैरह लगा के, आधी किस पे है देखो, आधी है ये टेबल पे, आधी है सोफे पे, मतलब देख रहे हो, देख रहे हो टैलेंटेड। टनल बना रखे नीचे से कोई पास हो जाए। You ask me how he got here, 'cause you don't know. हाँ, सोफा नंगा हो गया। Taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll